तो दोस्तों, अगर आप YouTube पे नए हैं, 2022 में ही YouTube स्टार्ट किए हैं और आप चाहते हो एक्टिव सब्सक्राइबर करना, अपना चैनल में एक्टिव सब्सक्राइबर रखना, मतलब अपना व्यूज जरूर आएगा, लगातार कंटिन्यू व्यूज आते रहेगा, कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा व्यूज के मामले में, तो क्या करना होगा? वही दोस्तों इसी वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट में बताएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना। और दोस्तों, अधिकारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल करके रखना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब में 2022 में आ चुके हो तो अभी आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो कंपटीशन जहां बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से? आप जिस टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाते हो, जिस कैटेगरी के ऊपर में वीडियो बनाते हो, और भी बेहतर वीडियो बनाना है एक्टिव सब्सक्राइबर लेने के लिए। और आप लोगों को क्या करना है? रेगुलरिटी मेंटेन करके वीडियो अपलोड करना है, डेली बेसिस आप लोगों को वीडियो अपलोड करना है। अगर आपके पास टेक चैनल है, मेरे जैसा टेक चैनल है, तो आप लोगों को डेली एक वीडियो कम से कम देना ही है। अगर दो वीडियो दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपना एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़ेगा। क्योंकि मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूं, मैं लगातार वीडियो अपलोड करता गया तो मेरा एक्टिव सब्सक्राइबर भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर पाना चाहते हो तो आप लोग को कंटिन्यू रहना होगा, और आप लोग को ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर में वीडियो पब्लिश करना होगा। वीडियो बनाना होगा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर में, जो ट्रेंड में चल रहा है उसको लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, तो ही आप देखोगे अपना चैनल धड़ाधड़ भागेगा। क्योंकि ऐसा मैं देखा है, बहुत सारे ऐसा चैनल को देखा है, क्योंकि मेरा तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ से यूट्यूब से मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो हुआ है मुझे। जो ये बोलने का तरीका अच्छा करना चाहिए, आप लोग का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई नॉइस ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसा बहुत सारे वीडियो होता है, नॉइस आता है, जो बाहर में वीडियो शूट करते तो नॉइस आता है, लेकिन ज़्यादा नॉइस नहीं आना चाहिए। ज़्यादा नॉइस आएगा तो लोगों ने वीडियो नहीं देखेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्टिव होना है, डेली बेसिस आप लोग को वीडियो बनाना है। जो जिस कैटेगरी के ऊपर आप वीडियो बनाते हो, जैसे मेरा टेक चैनल है, इसमें डेली एक वीडियो या दो वीडियो दे ही सकते हो। अगर आपके पास ब्लॉग चैनल है तो कम से कम हफ्ते में 3 वीडियो आप लोगों को देना है। अगर आप कुकिंग करते हो तो डेली आप लोग को 1 वीडियो देना है। ऐसा आप लोग को कर लेना है, जिस कैटेगरी के ऊपर आप वीडियो अपलोड करते हो, जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, ऐसा आप लोग को सोच लेना है जो क्या करोगे। अगर आपके पास टेक चैनल है तो आप लोग को डेली 1 वीडियो देना है, तो ही अपना वीडियो रैंक करेगा, चैनल रैंक करेगा, जो अपना ऑडियंस बनेगा। अगर आप बीच बीच में छोड़ के जाओगे तो आपका ऑडियंस नहीं बनेगा। मैं बीच बीच में छोड़ के गया, मेरा ऑडियंस चला गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करके सही टाइम में आप लोगों को वीडियो पब्लिश करना है। अगर आप सुबह करते हो तो सुबह ही करो, अगर आप दोपहर को करते हो तो दोपहर को ही करो, अगर आप शाम को करते हो तो शाम को ही अपलोड करो, अगर आप रात को करते हो तो रात को ही अपलोड करो। आप देखोगे इस तरीके से अपना अगर ऑडियंस बन जाएगा ना, एक टाइम पे ऑडियंस बनने के लिए टाइम लगता है, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लगता है, तो आप लोगों को 1-1.5 महीने में कम से कम 60 वीडियो आप अपलोड कर दोगे, तो ही आप लोगों का ऑडियंस बन जाएगा और आपका एक्टिव सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से एक्टिव सब्सक्राइबर आपका चैनल में रखना है, और अच्छा अच्छा टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाना है, जो पसंद करते हैं अपने ऑडियंस, जो पसंद करते हैं ऐसा ही वीडियो बनाना है, दूसरा उल्टा सीधा नहीं करना है। यही है दोस्तों एक्टिव सब्सक्राइबर आने का असली तरीका। तो फाइनली वीडियो कैसा लगा उन्हें बताना दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।